नमस्ते। हाई स्कूल के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कल आपके साथ मैंने शेयर किया था अरीज़ा का रिज़ल्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरीज़ा की कहानी, क्योंकि रिजल्ट्स तो बहुत सारे बच्चों के आए, 100% टाइल भी आए, 98% 99% बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन अरीज़ा का जो रिज़ल्ट है ना, ये मैं बहुत खुश हुई उसके रिज़ल्ट को देख करके। और मैं आज आपके साथ उसकी कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि हाउ शी बिकेम माय स्टूडेंट एंड नो व्हाट वर्क वी डिड ऑन हर। तो बात है नवंबर 2021 की, 29 तारीख को अरीज़ा मेरे पास आई थी शाम में उनके मम्मी पापा के साथ, और वो बहुत डर रही थी कि मैम शायद मुझे लेंगे ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लेंगे। और उसका कारण था ये, क्योंकि वो सेवन्थ में एक बार मेरे पास पढ़ने आए, फिर उसके बाद किसी कारण उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, एट्थ में भी पढ़ने आए, फिर एक महीने के मतलब कुछ ही दिन पढ़े और उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। और नाइन्थ जो था वो अरीज़ा ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था एंड आई थिंक शी वॉज काइंड ऑफ यू नो थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग एजुकेशन कम्प्लीटली। जब टेंथ आया तो उसको लगा कि नहीं, आगे थोड़ा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और फिर ये भी डर सताने लग गया उनको कि मैं अपने दोस्तों से पीछे हो जाऊंगी, मैं नाइन्थ रिपीट कैसे करूं। तो इस तरीके की कहानी थी, और उनके मम्मी पापा दोनों रात को, मुझे लगता है करीब 7:30-8 बजे का समय था, ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट कि अंधेरे में वो लोग मिलने आए थे, आई रिकोगनाइज देम ऑफकोर्स। सो एंड दे सेड कि मैम अरीज़ा को आप थोड़ा है ना गाइड करिए। अब आई हैड द ऑप्शन टू से यस और अ नो, बट आई लुक्ड एट अरीज़ा, बिकॉज मैंने अरीज़ा को एक महीने पढ़ाया था सेवन्थ में, एंड आई स्टिल रिमेंबर शी वॉज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सच अ ब्राइट वन, कि आई थॉट कि नो ये बच्ची तो एकदम टॉपर मटीरियल है, बट दे डिड नॉट और दे कुड नॉट एक्चुअली फॉर सम रीज़न कंटिन्यू विद मी। तो मैंने उस बच्ची की तरफ देखा और मुझे लगा कि ये बच्ची आज ये स्थिति पे आके खड़ी है कि शी इज़ डाउटिंग वेदर शी विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम, विल बी यू नो कंटिन्यूइंग हर एजुकेशन फर्दर और नॉट। तो मुझे लगा कि अगर मैंने आज इसको ना बोल दिया ना तो ये अन्याय हो जाएगा। एंड आई सेड कि देखिए, मेरी कोई गारंटी नहीं है, कोई रिज़ल्ट आए ना आए मुझे नहीं पता, पर बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि आई कैन ट्राई, है ना, एंड दिस इज़ आई थिंक वॉट दे वॉन्टेड कि somebody should try with her। जब अरीज़ा मतलब कुल मिला के ये डिसाइड हुआ कि 2 घंटे की जगह डबल क्लासेस मतलब 4 घंटे अरीज़ा को बैठना पड़ेगा दोनों सेशंस में, और एक समय के बाद अरीज़ा ऑल्सो हैड टू टेक 11 सेपरेट सेशंस। तो क्या हुआ कि भाई नवंबर में जब ये आई ना, तो सबसे बड़ी जो समस्या थी दैट वॉज माइंड सेट इशू। अरीज़ा को कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठ गया था कि वो कमज़ोर हो गई है और उससे अब कुछ समझ में नहीं आता, या उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी वर्कड ऑन वॉज माइंड सेट चेंज, है ना, कि आप हर एक विषय को पूरा समझ सकते हो। फिर सेकंड जो प्रॉब्लम आई कि समझ तो सकते हैं लेकिन समझने के बाद परफॉर्म करना, तो परफॉर्म करने के लिए प्रिपरेशन, है ना, ओवर एंड ओवर कई बार हम उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद कई बार उसके टेस्ट चलते रहते थे, एंड ऑफ कोर्स शी हैड वर्कड अ लॉट बिकॉज कहीं ना कहीं उस बच्ची में स्पार्क तो था, है ना, लेकिन ये जो गैप हो गया था, जो उसको नाइन्थ का कुछ भी आता नहीं था और फिर टेंथ कैसे पढ़ाया जाए, तो एक तरीके से सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ सभी का जो भी कंसेप्ट यूज़ होता था किसी एक क्वेश्चन में वो क्लियर करना, ये सब हमारे पास चैलेंजेस थे। बट अरीज़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं शी हैड ऑल्सो यू नो स्लोली शी गॉट दैट माइंड सेट कि नहीं मैं शायद कर ले जाऊँगी। एंड एक्सक्यूज मी, आई रिमेंबर 31 दिसंबर को शी वॉज शेयरिंग अबाउट हर कि अब मुझे लगता है कि शायद, मतलब एक महीना जब मैंने कर लिया, अब मुझे लगता है शायद मैं अच्छे से पास हो जाऊँगी, शायद मैं टॉपर की कैटेगरी में आ जाऊँ। एंड उस दिन मुझे लगा कि अब ये बच्ची डेफिनेटली अच्छा कर जाएगी, लेकिन कंटेंट चूँकि बहुत सारा पढ़ाना था तो हम पढ़ाते रहे, मैंने, जनक सर ने बहुत सारी उसकी क्लासेस ली, जनक सर उसको कोर्स का कंटेंट पूरा अच्छे से समझाते थे, एंड आई यूज़ टू ऑफन यू नो मेरा मेन काम ये रहता था कि कैसे इस कोर्स कंटेंट को मैं इसकी ज़िंदगी से जोड़ दूँ ताकि इसको याद बना रहे, है ना, और जिस बच्चे को याद बना रहेगा वो ऑफकोर्स लिख के भी आएगा। तो बस इस तरीके से सिलसिला चलता रहा, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि फेब में जब उसके एग्ज़ाम हुए थे स्कूल के,
तो शी हैड टोल्ड यू नो वेरी शी वॉज वेरी सैड एंड शी सेड कि मैम मैं साइंस में फिर से फेल हो गई हूँ एंड आई डोंट नो अब क्या क्या होगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो अब हम इन्हें एक तरफ से वो चैप्टर्स जैसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो भी चैप्टर्स बहुत कठिन लग रहे थे जिसका बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, तो ये डिसाइड हुआ कि चलो इन्हें एक तरफ से पढ़ाया जाए बिल्कुल बेसिक से उठा के पढ़ाया जाए। एंड शी इवन यूज़ टू कम फॉर एक्स्ट्रा आवर्स इन द मॉर्निंग, है ना। ये सिलसिला चलता रहा और जब उसके मतलब जितना हम कर सकते थे हमने किया और मेरे मन में कहीं ना कहीं आ गया था कि ये बच्ची अच्छा अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। और उसको ताकि परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस आ जाए इसके लिए हमने उसकी टेस्ट सीरीज़ उसके ऊपर बहुत सारा काम चलता रहा चलता रहा। अच्छी बात ये रही कि अरीजा यू नो हर हर चीज़ में हमारा साथ देती रही, मतलब लाइक वॉट एवर शी कुड। और बस व्हेन मतलब उसके सारे जब एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे तो मुझे लग रहा था कि लगभग लगभग 70% शायद ये क्रॉस कर जाएगी। और जितना हमने उसको पढ़ाया था उसने सारा ही परफॉर्म कर दिया, तो मुझे अंदाज़ा था उतने मार्क्स का कि ये बच्ची इतना कर ले जाएगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ना कि अरीजा ने सिर्फ यहाँ तक क्लियर किया, जब उनकी मम्मी से उनकी मम्मी 2 दिन पहले लड्डू लेकर के मेरे पास आई और हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैम अब हमने डिसाइड किया कि अरीजा आगे पढ़ेंगी और शी इज़ ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स। तो ये जो मैथ्स को लेकर के भय था वो ख़त्म हो गया। और ये जो था ना कि मैं पता नहीं आगे मेरा होगा नहीं होगा आगे मैं पढ़ूंगी कि नहीं पढ़ूंगी ये ख़त्म हो गया। तो आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ और आप सभी के साथ ये बात शेयर करना चाहती थी कि एक बार अगर आप ना एक बार मन में अगर हौसला आ गया एक बार मन में ये आत्मविश्वास आ गया कि मैं हर एक विषय को पूरा पूरा समझ सकता हूँ और जिस बात को मैं समझ सकता हूँ उसको मैं समझा सकता हूँ, जो मैं समझा सकता हूँ उसको लिख सकता हूँ, लिखूँगा तो नंबर आएंगे तो बस आगे ही बढ़ते जाना है ना। तो या दैट्स इट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।